पहले सीनरी जैसा वॉइस साहब। तो दोस्तों ऐसे ही हम कोशिश करते रहेंगे, जैसे अब पंकज ने एक और वायर डाल दिया इसके अंदर। भाई साहब टाइम और वक्त कुछ भी करवा सकते हैं हम। दवाइयाँ, सबसे मेन है दवाइयाँ। हमारी तबीयत बिल्कुल ख़राब है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। गले क्या हो रहा है, मतलब मेरे को इस टाइम बहुत घर की याद आ रही है, मेरे भाई की, मेरे पापा और की। जैसे मैं इनको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, और ऐसे ही इनको सपोर्ट करते रहो तो ताकि ये पूरा इनकी जर्नी कम्प्लीट करें अच्छे से। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते, राम राम जी। मैं चिराग शर्मा स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में, एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई जगह के साथ। तो हमारी आज की गुड मॉर्निंग हो रही है लोनावला से। तो आप सब कैसे हैं, आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। तो दोस्तों यहाँ से निकल लिए हैं, अभी टाइम कुछ 9 बजे होंगे यहाँ से निकले, अभी 9-10 बजे हैं अभी, अच्छे से ध्यान भी नहीं है मुझे। तो आपको पता है जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा हुआ, मेरी तबीयत ख़राब थी, ठंड लग चुकी है, कोल्ड फीवर। कल तो हमने स्लीपिंग बैग का भी यूज़ किया था। तो दोस्तों अब निकल चुके हैं, आज सही धूप है, तो चलते हैं अपने आज को पुणे पहुँचने। अपने को यहाँ से अपना 60-70 किलोमीटर्स होगा। तो बने रहिए ब्लॉग में, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों अपने 10K की फैमिली ज़रूर बनाएं, जल्दी से जल्दी बनाएं। तो यहाँ से रोड देखो यार, बिल्कुल ही सांप की तरह रोड है ये। ये देखो यहाँ जाना है, यहाँ पे इधर से पूरा ऐसे सांप की तरह बना हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है बिल्कुल। तो चलते हैं और दिखाऊँ यहाँ पे, इस जगह पे ना पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। वो देखो ऊपर वहाँ पे एक ग्लाइडर उड़ तो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे पंछी जैसा ये रहा, देखो एक नहीं है, बहुत सारे थे अभी तक, तो अभी एक ही रह गया, पहाड़ के दूसरी तरफ चले गए मेरे हिसाब से। करो आप पहले सीनरी जैसा वैसा, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि बिल्कुल सीनरी है, जैसे आर्ट होता है ना, आर्ट वर्क कर रखा हो। देखना ये देखो, ये रेल की पटरी और एक ये चढ़ाई देखो भाई रोड पे, मतलब पैदल चल के चढ़ा रहे साइकिल, यहाँ से चढ़ के आए हैं। ये देखो इधर से चढ़ के आए हैं पैदल 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 साइकिल लेके आए हैं भाइयों, मतलब बहुत टफ रास्ता है यार। और अभी और ऊपर जाना है, मेरे को लगता है ये पहाड़ क्रॉस करके फिर ही निशान आएगी। और ये देखो भाई, तो पुणे पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर बाद हमारा स्टे है। और पहुंचने से पहले एक कांड हो चुका है, इस कांड का नाम है पंकज की साइकिल की पिछली ब्रेक टूट गई है, बिल्कुल ही फ्री हो गई है, लग भी नहीं रही ब्रेक, जुगाड़ कर रहे हैं। अब देखो इसका है, ऐसे नहीं बीच में डलेगा, बीच में वो बीच में आएगा, हाँ ऐसे। तो देखते हैं भाई साहब ये जुगाड़ कब तक हमारा कामयाब रहता है, कोशिश करेंगे कि ये चालू ही रहे। है पंकज क्या क्या करना पड़ रहा है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोल्ड, इतना कोल्ड है ना, इतना हो रखा है कि बोला भी नहीं जा रहा, गला दुख रहा है, फीवर हो रखा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। फिर भी जॉगिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं,
तो थोड़ा सा रैम खाना हमारे ऊपर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब की बारिश कर दो यार प्लीज। तो जैसे तैसे पंकज ने जुगाड़ तो किया था, ये तार लगा के आपको दिख रही होगी ये तार, ये देखो ये यहाँ पे ये लगा रखी है, तो ये काम नहीं कर रही है यार अभी भी, कोई दुकान ढूंढनी पड़ेगी। इसके अंदर एक पेच सा होता है, रिपर्ट बोलते हैं शायद, पता नहीं मुझे भी अच्छे से, वो लगवानी पड़ेगी। तो इतने चलते हैं, इसी से ही काम जुगाड़ चला रहे हैं। देखो पंकज अभी भी कोशिश कर रहा है कि चल जाए, हम इतने तक काम करते हैं, इतने तक हमारा काम चलना जाए, मतलब हम बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत है पंकज की। पंकज कैसा लग रहा है आपको अब? पंकज कह रहा है मेरा गला बैठा हुआ, बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा है पंकज से ना मुझसे, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ऑल इंडिया की राइड है हम पूरी करें। तो दोस्तों ऐसे ही हम कोशिश करते रहेंगे। जैसे अब पंकज ने एक और वायर डाल दी इसके अंदर, अब देखते हैं कि ये शायद थोड़ा बहुत कुछ काम करे ना करे, कुछ नहीं पता, अभी एक बार देख लेते हैं। हाँ जी पंकज जी कैसे लग रहा है? हंस रहा है पंकज, स्माइल के साथ बात कर रहा है कि भाई साहब टाइम और वक्त कुछ भी करवा सकता है। हमने कौन सा सोचा था कि साइकिल ऐसे ख़राब होएगी, कुछ भी टूट सकता है, कभी पैडल टूट रहे हैं, कभी चेन उतर रही है, कभी ये ब्रेक का ये टूट रहा है, कभी टायर पंचर हो रहा है, ट्यूब फट रही है, कुछ भी नहीं पता भाई साहब ये राइड हमारी क्या करवा के मानेगी। तो दुकान तो वैसे भी ढूंढनी पड़ेगी, एक बारी के लिए ब्रेक का काम चला लेते हैं, तो देखते हैं कितना कुछ हो पाएगा। आप ऐसे व्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए, पुणे एक सिटी दिखाएंगे आपको, बहुत ही सुंदर शहर है। अभी हम पहुँचे नहीं है, यहाँ से 5-7 किलोमीटर और रह चुके हैं। जैसा कि आपको पता है हम पुणे पहुँचने वाले थे, तो 10 किलोमीटर था वहाँ से, हम पहुँच गए हैं पुणे। तो यहाँ पे हमें हमारे भैया मिले हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा हमारा अरेंजमेंट करवा दिया है यहाँ पे रुकने का, खाने पीने का, हमारे दवाइयाँ, सबसे मेन है दवाइयाँ। हमारी तबीयत बिल्कुल ख़राब है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, गले में ऐसा हो रखा है जैसे पता नहीं किसी ने क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है गला, और फीवर हो रखा है, जुकाम कोल्ड हो रखा है। तो दोस्तों हमारा दवाई का, खाने पीने का, रहने का बहुत बढ़िया इंतज़ाम करवा दिया भैया ने, अजय नाम था उन भैया का। हमें वहाँ पे सीहोर में मिले थे वो, तो उन्होंने कहा था आप पूना हो जब हमसे ज़रूर मिलना, मुझसे तो उनसे मिले और आपको दिखाता हूँ मैं दवाई का, बहुत बढ़िया हमें मतलब दवाई वगैरह और सब कुछ हमें अरेंजमेंट करके गए हैं भैया। और उनके साथ ब्लॉग नहीं बना पाया, मुझे याद नहीं रहा, मतलब उनके साथ बातों में थोड़ा बहुत भी ध्यान आया कि उनके साथ ब्लॉग बनाते, तो आपको दिखाता हूँ वही कौन कौन सी दवाई लेके हमने, तो आ जाइए। दोस्तों पहले तो उन्होंने ये विक्स ला के दिए कि गला ख़राब है तो इसमें जुकाम वगैरह और है तो ये लगा के सो जाएंगे, और एक ये पेन किलर है, बॉडी पेन होगा तो, और ये लूज मोशंस की है, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम आ जाएगी। और एक ये डॉक्टर के पास लेके गए थे भैया मुझे, उन्होंने ये मेडिसिन दी है, और ये मेरी इसमें पर्ची है, ये है। तो दोस्तों ये दवाई लेते हैं, मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब मेरे को इस टाइम बहुत घर की याद आ रही है, मेरे भाई की, मेरे पापा की, जैसे मैं बीमार होता था घर पे मम्मी की, तो मेरी कितनी केयर होती थी, मतलब मेरे साथ सब सारे मेरे पास बैठ जाते थे, तो वो सब याद आ रहा है मुझे, मेरी माँ जी, भाई बहन सब, मतलब ऐसे हो रहा है कि बहुत दूर आ रखा हूँ घर से, पर उन भैया ने ऐसे भी नहीं लग रही थी कि मैं घर से दूर हूँ, बट उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प करी मेरी, हमारी दोनों की। तो थैंक यू सो मच अजय भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और इन सब के लिए भी थैंक यू। और दोस्तों आप भी ऐसे सपोर्ट करते रहो। आज मैं आपको असली बात बताता हूँ, मैं सुबह से बीमार था, मतलब कल रात से फीवर था, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो सुबह भी मुझे फीवर था, मैं फीवर में साइकिलिंग करके आया हूँ, आज 90 किलोमीटर शायद हो गए, 80 to 90 किलोमीटर शहर के अंदर, जब पुणे शहर के अंदर सिटी के अंदर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे किलोमीटर्स का पता नहीं चलता, तो उसमें हमारे 15-20 किलोमीटर आराम से हो गए होंगे इधर उधर इधर उधर होते थे। तो दोस्तों अब सोने का टाइम आ गया है,
तो ऐसे आप लोग देखते रहिए, आपको हम लोग कैसे लग रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे कल सुबह, मिलते हैं आपसे। अब मेरे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा डाउन में है। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कल भैया ने हमारा स्टे करवाया था, कल आपको मिलवा नहीं पाए थे इनसे, तो आज मिलवा रहे हैं। कैसे लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है। मेरा नाम आगे करके मैं सुना रहता हूँ। कल भाई लोग आए थे तो इनका रहने का वो वगैरह सब मैंने अरेंजमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर आए, इनको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, और ऐसे ही इनको सपोर्ट करते रहो तो ताकि ये पूरा इनकी जर्नी कम्प्लीट करे अच्छे से बढ़िया से, और आगे चाहते और भी ब्लॉग बनाए और हमें ये करे इंजॉयमेंट करे, बाकी और भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच भैया। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था, पुणे में रुके थे भैया के पास, तो भैया ने हमारा अच्छा अरेंजमेंट करवा दिया था। तो ये व्लॉग मैंने कल रात को एंड नहीं करा था, तो मेरे को लग रहा था कि भैया सुबह आएंगे तो इनके साथ ही एंड करेंगे व्लॉग। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, ऐसे ही वीडियो देखते रहे, प्यार बनाए रखें, लाइक कमेंट करते रहें, और कोई भाई मेरे चैनल पर नया आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही आपको पूरी ऑल इंडिया राइड की ऐसे एडवेंचरस लाइफ आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे हम कम से कम बजट में सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे हमें भैया जैसे लोग मिल रहे हैं कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही चैनल पे प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नई राइड के साथ, एक और नए दिन के साथ और नए लोगों के साथ। तो ओके, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।